आज का जो प्लान है 30x40 में आपको मिलेगा। आप प्लान देख सकते हैं, इस मकान में आपको 3 बेडरूम, किचन, सीढ़ी, हॉल, बरामदा बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। कोई नक्शा बनाना है तो आप हमसे कांटेक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं दोस्तों। तो पहले आप प्लान का देख सकते हैं इस तरीके से, मैंने कितने नंबर ऑफ कॉलम दिए हैं उसको आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो भी कॉलम मैंने दिया है उसको थोड़ा हाईलाइट पे कर देता हूँ, थोड़ा ये आपके कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी कॉलम यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है, एक चीज आपको दिखा देता है, ये 10x10 के आपके सारे कॉलम हैं। ठीक है, एक कॉलम जो भी हैं 10x10 के हैं, और इसमें आपके 4 नंबर आप स्टील 12mm के यूज किए गए हैं दोस्तों। 12mm से आप कम सरिया ना यूज करें, उससे ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं, 16 का 20 का यूज कर सकते हैं, एज पर डिज़ाइन, एज पर आपका रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ 10mm का सरिया यूज करते हैं, जो कि गलत है। आपको हमेशा मिनिमम 12mm का सरिया यूज करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें, ये फ्रंट वाला जो कॉलम है ये आपके 8 फीट पे रहेंगे, और बाहर की जो दीवार है, बाहर की दीवार आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 इंची की आपकी इस तरीके से आपकी 10 इंची की दीवार रहेगी फॉर सेफ्टी रीजन। बाहर की दीवार आप 10 इंची का रखें और अंदर की जो दीवार है उसको 5 इंची आप रख सकते हैं दोस्तों। अंदर की दीवार, बाहर की दीवार इसलिए रखा जाता है 10 इंची का, मान लीजिए कोई भी तोड़ करके मकान में घुसे ना, सेफ्टी भी आपको ज़रूरी है। और अंदर की जो दीवार है उसको आप 5 इंची का रखें, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका पूरा ये प्लान वगैरह आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका मकान कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से ये आपका दिखेगा दोस्तों। अब एक बार प्लिंथ लेवल को भी थोड़ा सा मैं डिवाइड कर देता हूँ, जो आपका कुर्सी लेवल है उसको यहाँ पे कैटेगराइज कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे कि आपका कुर्सी का लेवल इस तरीके से रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका प्लिंथ लेवल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपका प्लिंथ लेवल हो जाएगा। ठीक है, प्लिंथ का भी ध्यान रखें, बहुत लोग मकान तो बना लेते हैं लेकिन कुर्सी बहुत ज़्यादा डाउन रखते हैं, जो कि गलत है। आपको हमेशा कुर्सी अच्छी खासी हाइट पे आपको रखना चाहिए दोस्तों। ज़्यादा डाउन करेंगे तो मकान खूबसूरत नहीं दिखेगा, और आसपास अगर पानी वगैरह लगता है तो आपके मकान में पानी वगैरह की दिक्कत, सीलन की दिक्कत हमेशा रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका मैं डिटेल बता देता हूँ भाई। अंदर एंट्री के लिए आपको स्टेप्स देना पड़ेगा, कुर्सी आपने जो भी रखा है 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट, तो आपको यहाँ पे स्टेप्स देना पड़ेगा इस तरीके से। इसके आगे बात करें तो ये आपका रहेगा यहाँ पे, इस जगह पे आपका मेन गेट, ये आपका मेन गेट हो जाएगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये आपका मेन गेट हो जाएगा। ठीक है, और मेन गेट से पहले ही आपको, जैसे आप पहले आप एंट्री किया, आपने बरामदा आपको यहाँ मिला, तो यहीं बरामदे से ही आप एक गेस्ट रूम, ये आपका गेस्ट रूम होगा, इसका दरवाज़ा आप यहाँ बरामदे से दे देंगे, तो इससे आपका ये रहेगा कन्वीनियंट रहेगा कि मान लीजिए कोई गेस्ट वगैरह आया तो उनको अंदर नहीं जाना पड़ेगा, अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा इस तरीके से। फिर आप आगे बढ़ेंगे मेन गेट से, आपका हॉल एरिया मिलेगा, इधर मिलेगा सीढ़ी, और यहीं पर मिल जाएगा आपको किचन एरिया। ठीक है, ये आपका किचन है, इसमें टॉयलेट बाथरूम नहीं दिए गए। अगर आपको टॉयलेट बाथरूम बनाना है तो आप सीढ़ी के नीचे बना सकते हैं, अन्यथा इस जगह पे आप बना सकते हैं मेन गेट के एंट्री पॉइंट पर ही। मैं आपको आगे बताता हूँ किस जगह पे आप ये बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस जगह पे एक छोटा सा टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं, हालांकि गांव का प्लान है तो गांव में लोग बाहर बनाते हैं टॉयलेट बाथरूम। ठीक है, फिर पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे आपको 2 बेडरूम मिल जाएंगे इस तरीके से। आप देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 बेडरूम ठीक ठाक साइज में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके 2 बेडरूम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में आपके हो जाएंगे। ठीक है, और ये इस तरीके से आपका रहेगा, पूरा मकान कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके से ये दिखेगा दोस्तों। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गांव का प्लान है तो चारों साइड खिड़की वगैरह दे सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्रंट में आप एंट्री करेंगे, ये आपका हॉल एरिया, ये आपका गेस्ट रूम हो जाएगा, इसका दरवाजा बाहर से रहेगा। यहाँ मेन गेट, मेन गेट से एंट्री करेंगे तो ये आपका हॉल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हॉल हो जाएगा, ये फ्रंट में बरामदा है। इधर की बात करें तो सीढ़ी है, सीढ़ी का डिटेल बता दें, चौड़ाई 3 फीट 3 इंच है, ऊंचाई 6 इंची है, ऊंचाई 6 इंची है, थ्रेड 10 इंची है, और ये इस तरीके से डॉग लेग में आपकी सीढ़ी रहेगी। इसके बगल में आपको किचन मिलेगा, पीछे साइड आपको 2 बेडरूम इस तरीके से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से आपका पूरा एक प्लान आपका रहेगा। अब चलते हैं साइजेस की तरफ, और आपको साइजेस वगैरह हम समझाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे साइजेस वगैरह आपका बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट आपका 30 फीट है, इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से आपका फ्रंट 30 फीट है, और लेंथ की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 40। 30x40 में आपको इस तरीके से ये पूरा प्लान का कंस्ट्रक्शन हुआ है। बरामदे की बात करें तो 14 फीट 9 इंची इंटू 8 फीट 10 इंच का आपका ये बरामदा आपको मिलेगा। गेस्ट रूम की बात किया जाए तो 14 फीट इस तरीके से आप देख लीजिए, 14 फीट x12 फीट में आपका गेस्ट रूम मिलेगा। सीढ़ी आपका जो है 7 फीट में है, और एक सीढ़ी का जो साइज है 3 फीट 3 इंच है, दूसरे का भी 3 फीट 3 इंच है, और बीच में जो गैप बच रहा है रेलिंग लगाने के लिए 6 इंची आपका गैप इस तरीके से बच रहा है। ठीक है, और लेंथ की बात करें तो हमने जो सीढ़ी के लिए लंबाई लिया है यहाँ से यहाँ तक 11 फीट 8 इंच आपका सीढ़ी के लिए स्पेस लिया गया है दोस्तों। और हॉल की बात करें 13 फीट 11 इंच इस तरीके से आप देख लीजिए, 13 फीट 11 इंच इंटू 17 फीट 11 इंच आपको इस तरीके से हॉल एरिया आपको
मिल जाएगा दोस्तों। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको किचन इस तरीके से, 9 फिट × 6 फिट 1 इंच का आपको किचन मिलेगा इस तरीके से, आप देख लीजिए। और बेडरूम की बात करें तो ये 14 फिट हो गया, 14x12 का पहला बेडरूम हो गया, ठीक है। और दूसरे बेडरूम की बात करें तो 13 फिट 11 इंच × 12 फिट का आपका एक दूसरा बेडरूम आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये छोटा सा प्लान है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।